अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर तालिबान के कब्जे से स्थिति काफी खराब होती जा रही है। तालिबान की बढ़ती ताकत को देख पाकिस्तान और चीन तालिबान को अपनी तरफ करना चाहते हैं। अगर तालिबान, पाकिस्तान और चीन एक हो जाते हैं तो ये कश्मीर के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जब तालिबान अफगानिस्तान में सक्रिय था उस वक्त उसने कश्मीर में आतंक फैलाने में पाकिस्तान की काफी मदद की थी। तालिबान की बढ़ती ताकत का क्या होगा कश्मीर पर असर? अगर पाकिस्तान, तालिबान और चीन एक हो जाते हैं तो ऐसे में क्या होगी भारत की नीति? जैसे तालिबान के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि वो चाइना को अफगानिस्तान के अंदर अपनी डेवलपमेंट के लिए वेलकम करेंगे और साथ में वो उनकी पूरी सपोर्ट लेंगे, तो देखें तो तालिबान जो वो पहले से ही पाकिस्तान का दोस्त है, उसकी सपोर्ट है, अगर पाकिस्तान, तालिबान और चाइना जो है तीनों मिल जाते हैं तो वो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। तालिबान की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे पहले भी तालिबान और पाकिस्तान की यारी किसी से नहीं छुपी है। पाकिस्तान पहले से ही तालिबान जैसे आतंकी संगठनों की मदद करने में लगा रहता है। तालिबान के सहारे पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर और भी उग्र हो सकता है। भारतीय संसद पर हमला करने वाले आतंकी तालिबान द्वारा ही ट्रेंड किए गए थे। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को तैयार करने में भी तालिबान की भूमिका रही थी। पाकिस्तान के पालतू आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद तालिबान के करीबी हैं। ये सब बातें साफ तौर पर इशारा करती हैं कि तालिबान की बढ़ती ताकत के बीच अगर तालिबान, चीन और पाकिस्तान एक हो जाते हैं तो कश्मीर का माहौल खराब करने में ये तीनों कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। हालांकि तालिबान कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला करार कर चुका है, लेकिन एक आतंकी संगठन की बात पर विश्वास करना कतई सही नहीं होगा। तालिबान के सक्रिय होने से भारत को दो तरफा नुकसान हो सकता है। पहला तो पाकिस्तान, चीन और तालिबान का एक होना, और दूसरा ये कि भारत ने अफगानिस्तान में काफी निवेश कर रखा है। अगर तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया तो वो इन प्रोजेक्ट्स को कतई पूरा नहीं होने देगा। ऐसे में अब क्या होनी चाहिए अफगानिस्तान के प्रति भारत की पॉलिसी? देखिए, इंडिया की पॉलिसी है कि वहाँ पे वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, साथ में जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको खुला रखा है। हमारी ये कोशिश है कि हम तालिबान के साथ बातचीत रखें, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो हैवी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जो एसेट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखें। मगर जिस तरह तालिबान जो है वो बातें कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ऐसे लग रहा है कि हमें हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सावधान की है। हम इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि तालिबान जो है आने वाले समय में अपनी कहे हुए बातें, वादों से मुकर जाए। पाकिस्तान की सरकार तालिबान से दूर रहने का दिखावा तो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान और उसके आतंकी तालिबान के वफादार हैं। साल 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाई थी, उस वक्त दुनिया के जिन तीन देशों ने उस सरकार को मान्यता दी थी उनमें से एक पाकिस्तान भी था। अफगानिस्तान के प्रति पाकिस्तान की नीति के बारे में जानिए क्या है डिफेंस एक्सपर्ट की राय। देखिए, पाकिस्तान का रोल सिर्फ इसमें एक रिलीजियस कार्ड खेलने का है। वो तालिबान को इस्लाम के ऊपर सेंटिमेंटल रखना चाहता है, क्योंकि हमने देखा है कि तालिबान और पाकिस्तान पहले भी बहुत करीब थे, और पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि तालिबान भारत के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखें, क्योंकि अगर हम उनसे बात करते हैं तो हम उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इसके अंदर एक नेगेटिव रोल खेल रहा है कि वो तालिबान को अपने हाथ में रखे, और आने वाले समय में अगर उसको ज़रूरत पड़े तो वो हमारे अगेंस्ट कश्मीर के अंदर
या किसी भी आगे आने वाली लड़ाई के अंदर यूज करें। देखिए, ये जो अमेरिका की आर्मी है वो अफगानिस्तान से बिल्कुल अचानक चले गए, वो रातों रात निकल गए और उन्होंने किसी भी अफगानिस्तान की सरकार को या उनके जो जनरल थे उनको बिना बताए रातों रात निकलने से जो अफगानिस्तान की आर्मी थी उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा, जिसके साथ वो डिमोरलाइज हो गए। क्योंकि पहले हम देखते हैं कि ये जो यूएस की आर्मी थी ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, उनके लिए बहुत बड़ा कंधा था, मगर ये एकदम निकलने से जब तालिबान ने देखा तो वो बिल्कुल अफगानिस्तान की आर्मी के ऊपर हावी हो गए। और अब आने वाले समय में ऐसे लग रहा है कि वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को गिरा देंगे और उसके ऊपर कब्जा कर। एक बात तो साफ है कि किसी आतंकी संगठन का इतना ताकतवर होना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता। ये न केवल उस देश के लिए बल्कि उसके पड़ोसियों के लिए भी खतरनाक है। अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो तालिबान के सक्रिय होने से कश्मीर के हालात पर इसका खासा असर हो सकता है। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.